ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। राहुल गांधी ने हरियाणा में बेरोजगारी के समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर निशाना साधा और सवाल किया कि आखिर राज्य के युवा डंकी होने पर मजबूर क्यों है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें युवाओं को सपनों के लिए अपनों से दूर नहीं होना पड़ेगा। यहाँ डंकी का मतलब है अवैध तरीके से किसी दूसरे देश में जाना, जिसे डंकी फ्लाइट भी कहा जाता है। यह एक खतरनाक आवर्जन मार्ग है जिसका इस्तेमाल कई भारतीय नागरिक अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जाने के लिए करते हैं। राहुल गांधी ने अपने हालिया अमेरिकी दौरे पर भारत से अमेरिका जाने वाले कुछ लोगों से मुलाकात की थी। उनमें से एक अमित नाम का शख्स भी था, अमित नाम का युवक भी था, जिनके परिवार से राहुल गांधी ने 20 सितंबर को करनाल जाकर मुलाकात की। राहुल गांधी ने इस मुलाकात का वीडियो अब सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा किया है, पोस्ट किया है और उसका टाइटल लिखा है कि क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा। बीजेपी द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी की कीमत लाखों परिवार अपनों से दूर होकर चुका रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका यात्रा के दौरान हरियाणा के उन युवाओं से मुलाकात हुई जो घर परिवार से दूर खुद को पराए मुल्क में खपा रहे हैं। भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठी। अवसरों के अभाव ने बच्चों से उनके पिता को और बुजुर्गों से उनके बुढ़ापे के सहारे को दूर कर दिया है। पहले राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको आगे की कहानी बताएंगे। 15-15, 20-20 बच्चे एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में, आप जाओगे तो बैग रखने की जगह नहीं है अपार्टमेंट्स में। वो सब पैसे इकट्ठे करके अपनी फैमिली को भेजते हैं ताकि हमारी फैमिली सरवाइव कर सके। तो उसके बाद हमारे भाई साहब उनके हेल्प से हमने इनके पास रहे। हम जब तक हमारे पास काम नहीं था, इन्होंने काम अरेंज कराया, काम किया जो कि $10-11 के हिसाब से हमने एज ए लेबर काम किया। इन्होंने हमारा केस जो हमें वकील को प्रेफर किया और उन्होंने केस सबमिट किया। उसके बाद हमें 6 से 8 महीने के लगभग वर्क परमिट मिलता है, लगभग 1 साल हमने वो काम किया, उसके बाद वर्क परमिट मिला। अच्छा, आप हरियाणा से अमेरिका आ गए, हरियाणा से आप हिंदुस्तान के किसी और स्टेट में नहीं जाने को सोचा? हर स्टेट में ऐसा ही हाल है। और जब आप वहाँ से निकलते हैं तो फिर कहता है कि ऐसा सब होगा, ऐसी तकलीफ। आपको मालूम है कि डेंजर रिस्क तो मालूम है। क्या पता हमें ना मिले, कोशिश करते हैं बेहतर रोजगार, बेहतर जिंदगी के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो मेंटली आप तैयार रहते हैं कि ऐसा कुछ होगा। सबसे ज्यादा डर आपको कब लगा इस जर्नी में? कभी डिपोर्ट लग जाए, डिपोर्टेशन का सबसे ज्यादा डर वही है। सबसे ज्यादा कौन से देश के लोग आ रहे हैं इंडिया में से? तो हरियाणा के आ रहे हैं सबसे ज्यादा, हरियाणा पंजाब। हरियाणा में से इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? और 35-40 लाख रुपए लगा कर कोई आता है, कितना रिस्क लेके? बेहतर रोजगार के लिए, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं अभी। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे परिवार से जाके मिलो, तो मैंने कहा ठीक है मैं आके मिलता हूँ। सर आप तो भगवान आ गए हैं। मैंने उन्होंने कहा उनसे मैंने कहा है कि जो मैंने वहाँ देखा मैं आपको बताऊँ, तो वहाँ पे मतलब ठीक है। सर हमें यहाँ तो गांव का सरपंच भी कोई पूछने जाता है, और आप तो कहाँ से कहाँ मिलने के लिए आए हैं जी? कोई MLA मारा जी हमारे पास कभी आया जी? कोई दुख में सुख में कोई और नहीं आया जी? ये बताओ जी, एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, 10,000 देता है सैलरी, कोई 12,000 देता है, उसमें बताओ 3-3 बच्चा की फीस भी है, पढ़ा क्या खर्चा नहीं है जी? नमस्कार। बोलो। ऐसे इमोशनल हो जाता जी मेरे को देख के। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। राहुल गांधी ने आरोप ये भी लगाया कि 10 साल में बीजेपी ने हरियाणा समेत देश भर के युवाओं से रोजगार के अवसर छीनकर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, घोर अन्याय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने ही रोजगार बेरोजगार का मुद्दा हरियाणा में उठाया है, इससे पहले डंकी और बेरोजगारी का मुद्दा दीपेंद्र हुड्डा भी उठा चुके हैं। जुलाई में उन्होंने संसद में इस बात की चर्चा की थी, विदेश मंत्रालय से पूछा था कि देश और हमारे प्रदेश के लाखों नौजवान बेरोजगार और हताशा से परेशान हैं, विदेशों में के तरफ जा रहे हैं।
उन्होंने दावा किया था कि पिछले एक साल में करीब 97,000 भारतीय नागरिक जंगल के रास्ते अमेरिका पहुंच गए हैं। यूएस में 15 लाख ऐसे भारतीय हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। विदेश मंत्रालय ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कार्य कर रही है, क्या काम कर रही है, इस पर विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने जवाब देते हुए कहा था कि भारत सरकार ने ई माइग्रेट पोर्टल शुरू किया है। इसका मकसद उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, मगर जो नागरिक इस सेवा का लाभ नहीं उठाते हैं उनके लिए दिक्कत आती है। रजिस्ट्रेशन से हम उनके संपर्क में रख पाते हैं और परेशानी होने पर उनकी मदद भी करते हैं। राहुल पहले भी अचानक हरियाणा पहुंचे थे और इस बार भी वो हरियाणा पहुंचे हैं, और जब हरियाणा अचानक पहुंचे तो उनके खूब चर्चा होने लगी। इससे पहले वह सोनीपत में एक गांव में पहुंची थी जहां किसानों के साथ खेत में जाकर धान की बुआई की थी। इसके साथ वह ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रक पर बैठे थे और अंबाला पहुंचे थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वह हरियाणा में ट्रक ड्राइवर के साथ गए थे और लोगों से भी मुलाकात की थी। इसके बाद इसके अभी हाल की अगर बात करें तो 20 सितंबर को सुबह 5:30 बजे अचानक से करनाल के घोगड़ीपुर गांव में राहुल गांधी पहुंच गए और वह अमेरिका दौरे के दौरान मिले अमित नाम के शख्स के परिवार से मुलाकात किए। उन्होंने युवक के परिवारों से हालचाल जाना, अमेरिका में रह रहे लड़के से उनके घर पर पहुंचकर वीडियो कॉल पर बातचीत भी की। सबसे कमाल की बात यह है कि राहुल गांधी के इस दौरे पर और इस दौरे के बारे में स्थानीय कांग्रेस नेताओं को भी सूचना नहीं थी और ना पुलिस प्रशासन को इसका पता था, और इतनी सुबह राहुल गांधी अचानक पहुंच गए इससे उनकी खूब चर्चा होने लगी। बात अगर अमित की करें तो अमित के परिवार में उसके माँ और उसके बाद उसके भाभी और भाई हैं, दो बच्चे हैं। अमित के बारे में कहा जाता है कि वो डंकी के रास्ते से अमेरिका गया और अमेरिका में अभी करीब करीब एक साल से फंसा है। इस बीच में 3-4 महीने पहले अमित के सड़क पर जब वो जा रहा था तो पीछे से गाड़ी ने टक्कर मार दी जिसमें उसके एक्सीडेंट हो गया उसका, और उसके पैर और बॉडी के हाफ पार्ट फ्रैक्चर है, ऐसी बातें खबर आ रही है, और इसी का इलाज अमित अभी अमेरिका में करवा रहा है। परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अमेरिका जा सके और अमित को लाया जा सके। अमित गैर कानूनी रास्ते से गया है इसलिए आना भी थोड़ा मुश्किल है, और इसी को लेकर डंकी का भी जिक्र हो रहा है। आधिकारिक तौर पर कहीं भी इसकी चर्चा नहीं हो रही कि डंकी के रास्ते से अमित गया और वहां पर फंसा हुआ है, लेकिन जो खबर उनके सामने आ रही है, जो राहुल गांधी वहां मुलाकात किए और जिस बात को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की, उससे तो साफ झलकता है कि डंकी के रास्ते से अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में हजारों लाखों की तादाद में भारतीय फंसे हैं जिनके आने का इंतजार अब भी उनके परिवार भारत में कर रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।